वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो पितृ देवताय नमः। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं पितृ पक्ष की, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि पितृ पक्ष चल रहा है। और इन 15 दिनों में हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं। कुछ लोग पिंडदान करते हैं, कुछ तो लोग तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोज करवाया जाता है, गाय को चारा खिलाया जाता है, चींटियों को अन्नदान किया जाता है, कोई को किया जाता है, और ब्राह्मण देवता को अपने पितरों के निमित्त उनका पसंदीदा भोजन करवाया जाता है। अब कई जगह पर ये बात की भ्रांति फैली हुई है कि आलू बनाएं, तोरी बनाएं, तो इससे पितरदेव प्रसन्न होते हैं। देखिए, अब ज़्यादा तो हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन जितना पता है तो शास्त्रों में तोरी या आलू ही तो ऐसा मुझे तो बहुत कम कहीं दिखाई दिया। ज़्यादातर यही दिखाई दिया जाता है कि हमेशा से कि पितरों की पसंद का खाना बनाया जाए। अब पितर हमारे तोरी खाते ना हो और हमने ब्राह्मण देवता के आगे तोरी परोस दी, तो बताइए हमारे पितर कैसे खुश होंगे। मुझे तो ये बात ठीक नहीं लग रही है, आपको ठीक लगे तो कमेंट कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता ने दशरथ जी का पिंडदान क्यों किया। क्योंकि पिंडदान तो पुत्र करता है ना, और जब पिंडदान कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ। वैसे तो बहुत लोगों को ये कथा पता है, लेकिन फिर भी हमारा चैनल कथाओं वाला है तो हम तो कथा जरूर सुनाएंगे। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय सियाराम पितृ देवताय नमः जरूर लिखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर भी भक्ति सागर सोनिका, मोटिवेशन सोनिका इंस्टा पर उनको भी फॉलो जरूर कीजिएगा। और यदि आप भी हमसे कोई कथा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो आइए अब कथा आरंभ करते हैं, और वो तोरी वाली बात से कौन कौन सहमत है ये भी जरूर बताना। तो अब कथा आरंभ करते हैं। कहा जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान करने गया जी में और अनेकों दूसरी जगहों पर लोग जाते हैं। नेचुरली है, कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं, कुछ पेहोवा जाते हैं, कुछ फल्गु जाते हैं, और कुछ पुष्कर भी चले जाते हैं। और गया जी तो सबसे बड़ा धाम माना गया है जहाँ पर पितृ पक्ष में पिंडदान किया जाता है। और वहाँ पर पिंडदान करने से आत्मा को पितरों की शांति मिलती है। हमें भी अपने पूर्वजों का पिंडदान जरूर करना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। परिवार में किसी ने नहीं भी किया तो पहले लोगों को नहीं ज़्यादा ज्ञान था, नहीं किया होगा, लेकिन अब आपको पता चल गया है तो पिंडदान जरूर कीजिए। हमारे शास्त्रों में पिंडदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। लोग पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान करने अक्सर गया जी और दूसरी जगह पर जाते हैं। तो अब हम आपसे बात करते हैं कि माता सीता ने भी पिंडदान किया था, जबकि अब आप कहेंगे कि ये तो पुत्र करते हैं। तो हमारी एक वीडियो ऐसे भी है जिसमें हमने बताया गया है कि अगर पुत्र उस समय उपस्थित ना हो या कोई कारण हो या पुत्र हो ही ना तो महिला भी कर सकती है, जिसका प्रमाण माता सीता है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का प्रसंग आता है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृ पक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां ब्राह्मण द्वारा बताए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए, क्योंकि वो पिंडदान करना है तो सामग्री तो चाहिए ना, जिसमें माँ की दाल का आटा या चावल का आटा लिया जाता है, खोया भी लिया जाता है, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फिर कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अभी कथा की ओर चलते हैं कि ब्राह्मण देव ने जब श्री राम और लक्ष्मण जी गए हुए थे सामान लेने के लिए, उसी समय ब्राह्मण देवता भी वहीं खड़े थे, और तो सीता माता से आग्रह करने लगे कि मुहूर्त निकल रहा है, पिंडदान का समय निकला जा रहा है, तो आप जल्दी जल्दी से पिंडदान कीजिए।
यह सुनकर सीता जी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी कि अब क्या होगा, श्री राम तो अभी तक आए नहीं। अब पहले साधन तो थे नहीं ना कि व्हीकल पे जाएंगे, नगर की ओर गए हैं, गया धाम से पता नहीं कितनी दूर नगर होगा, तो समय तो लगता ही है आने जाने में। तो सीता माता भी पूरी चिंतित कि ब्राह्मण देवता बोल रहे हैं समय कम है, समय कम है, अब क्या करूं, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। इसी प्रांत दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है, अर्थात उस समय माता सीता को दशरथ जी के दर्शन हुए थे। बहुत लोगों से सुना भी है हमने कि गया धाम में जाओ ना तो वहां पर हमारे पितरों के दर्शन होते हैं। यह जानकर माता सीता और अजस मंजस में पड़ गई कि अब तो दशरथ महाराज भी आ गए हैं पिंडदान के लिए, अब क्या किया जाए। तब वह स्वयं ही अपने ससुर राजा दशरथ को पिंडदान करेगी, यह उन्होंने सोच लिया। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित वट वृक्ष, कोआ, तुलसी और ब्राह्मण और गाय की साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया। अब आप बोलेंगे समान लेने तो श्री रामचंद्र जी गए हुए हैं तो माता सीता ने पिंडदान कैसे किया। कहा जाता है कि माता सीता ने वहां से मिट्टी उठाई क्योंकि उन्होंने दशरथ जी से कहा ना कि मेरे पास अभी पूरी सामग्री नहीं है, श्री रामचंद्र जी लेने गए हैं फिर पिंडदान होगा। तो दशरथ जी कह रहे कि मुझे वापस धाम को लौटना है तो जल्दी कीजिए। तो वो बोली अब मैं क्या करूं, वो बोले यहाँ से मिट्टी पड़ी है इसका ही पिंड बना कर दे दो, मैं इसी में तृप्त हो जाऊंगा। तो माता सीता ने वहीं से मिट्टी उठाई और इसका एक पिंड बनाया और दशरथ जी को पिंड दान किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया और माता सीता को इस बात से प्रसन्नता हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। पर वह यह भी जानती थी कि श्री राम इस बात को मानेंगे नहीं क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना हो नहीं सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया, राम जी को विश्वास नहीं हुआ, करे अरे ये कैसे हो गए, सामग्री तो मैं लेने गया हूँ, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हुआ। तब सीता जी ने कहा कि वहां उपस्थित फल्गु नदी से पूछ लो, तुलसी मैया से पूछ लो, कोए से पूछ लो, गाय से पूछ लो, वट वृक्ष से पूछो और उस ब्राह्मण से पूछो जिसने श्राद्ध कर्म की गवाही देंगे। भगवान राम ने जब इन सबसे पिंडदान के जाने के लिए पूछा तो श्री राम के क्रोध के आगे वो डरते मारे क्या बोले, मुकर गए। अब यहाँ पर अलग अलग कथाएं आई हैं कि ब्राह्मण ने अपने दक्षिणा के लिए लालच कर लिया जी, तो ऐसा नहीं, सबने अपने भाव से कथा लिखी है। एक्चुअल में सब श्री राम से डर गए थे शायद कि जब मैं कोई चीज़, ऐसा ही होता है ना घर में जब हम किसी को बड़े को या पुरुष को या मुखिया को कोई चीज़ लेने के लिए भेजते हैं और उनके आने से पहले वो काम संपन्न करवा देते हैं, ऑटोमेटिक ही वो गुस्से में आ जाता है कि मैं तो जा रहा था और तुम लोग मेरी वेट भी नहीं करी, पहले काम कर दिया। तो इसी तरह से उनको गुस्सा, उनको डर लगा श्री राम से और उन्होंने राम श्री राम का डर देख कर क्रोध के मारे उनके सामने झूठ बोल दिया कि हाँ पिंडदान तो हुआ ही नहीं। लेकिन उस समय वट वृक्ष ने सत्य कहा, माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दिया। वहीं सच बोलने पर माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। बोल सिया पति राम चंद्र महाराज की जय। तो ये थी हमारी सीता माता की पिंडदान करने की कथा। यदि आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब आप बोलेंगे कि कथा अधूरी है, इसमें बोल पंक्ति तो आई नहीं कि सीता माता ने उन चारों को जो झूठ बोले थे उनको क्या श्राप दिया। भैया अब आपने वो कथा सुननी है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आपको जल्द ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में वो भी मिलेगा कि माता सीता ने उनको क्या श्राप दिया। तो यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।